दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोही लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। इसके बाद उनका समर्थन करने वाला देश ईरान भी खुलकर सामने है और वो हूतियों के समर्थन में लगातार कोशिशें कर रहा है कि जितनी मदद हो सके वो की जा सके। हालांकि किसी भी हमले में ईरान अपना हाथ होने से साफ तौर पर इनकार करता रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम खींचातानी के बावजूद मामला कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जहां तमाम दुनिया के दूसरे देश उस इलाके से ट्रेड करने से बच रहे हैं और एक बड़ा संगठन बनाकर अमेरिका उस इलाके में पेट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में कथित तौर पर हूतियों द्वारा जब भारत आ रहे व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाया गया, उसके बाद से भारतीय नौसेना काफी एक्शन मोड में आ गई है। भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू पोत और लड़ाकू विमान लगातार उस इलाके का गश्त कर रहे हैं और अरेबियन सी को सुरक्षित पेट्रोल करके व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित पास करवा रहे हैं। इस मामले में क्या कुछ कहना है विदेश मंत्रालय का, ये सुन लीजिए। एक जो वहां पर स्थिति बनी हुई है उसको हम लोग लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। हमारे जो रक्षा बल के लोग हैं, इंडियन नेवी की शिप्स हैं, वहां पर पेट्रोल कर रहे हैं और जो हमारे जहाज हैं जिनको वहां पर सुरक्षा चाहिए उस पर वो नजर रखे हुए हैं। और अभी तक का जो हमारा हम लोग का भी समझ है कि उस इलाके में जो कोई भी मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव चल रहा है उसके अभी हम लोग भाग नहीं है, लेकिन ये एक सिचुएशन लगातार बनी हुई है, उसको हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। भारत के तरफ से भी विदेश मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि भारतीय नौसेना इस इलाके में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, निगरानी कर रही है, जो भी जरूरी कदम उठाने हैं वो भारतीय नौसेना अपने स्तर पर उठा रही है ताकि भारतीय हितों को किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। जो व्यक्ति भारत के साथ कारोबार कर रहा है, जो भारत अपना जहाज लेकर आ रहा है, उसे किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस बात पर भी भारत ने बड़ी साफगोई से ये बात कह दी है कि वो किसी भी गठबंधन का उस इलाके में पेट्रोलिंग का हिस्सा नहीं है। यानी कि भारत ने एक तौर पर ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा, वो स्वतंत्र रूप से अपनी सुरक्षा के लिए खुद काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।